एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। और आज का न्यूज़पेपर, वैसे दो तीन न्यूज़पेपर आता है, बट आई यूज टू प्रीफर द हिंदू, बट द इंडियन एक्सप्रेस भी आता है। तो यू गाइस कैन रीड व्हाटएवर यू फील द राइट वन, बट मुझे आदत हो गई है द हिंदू की। और वैसे लाइब्रेरी पर आ जाता है तो मेरे लिए ईजी होता है, तो ये मेरा कॉफ़ी, और इस दोनों को लेकर चलते हैं अंदर और फिर आगे का शेड्यूल करते हैं, पढ़ाई करते हैं और देखते हैं कितना आज कर पाते हैं और प्रोडक्टिव बनाने की आज कोशिश करते हैं। तो अभी आ चुके हैं अपनी सीट पर लाइब्रेरी, और देख सकते हो अभी सीट का मेरा क्या हाल है। लेकिन पहले से अगर कंपेयर करूँ दो तीन दिन से तो अभी काफ़ी ठीक है। तो सबसे पहले प्रभु को प्रणाम करते हैं और आगे का जो भी है स्टार्ट करते हैं डे का। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर पहले ख़त्म कर लूँगा, तो बाद में प्रेशर नहीं रखोगे मेरी कॉफ़ी। तो ज़रूरी है कि न्यूज़पेपर कवर करना, और अगर आप नहीं करते हो, और हर एक वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो। स्टार्टिंग में अगर आपको नहीं इच्छा होती तो भी 10 मिनट पढ़ा करो, आधे घंटे पढ़ो, दो पेज पढ़ो, तीन पेज पढ़ो, बट हैबिट डालो। कुछ भी, कोई भी ले सकते हो। जैसे मेरी हैबिट हो चुकी है द हिंदू की, तो मैं अभी शिफ्ट नहीं कर पाता हूँ द इंडियन एक्सप्रेस पे। लेकिन आपको अगर कोई भी समझ आ रहा है, द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस कोई भी समझ आ रहा है, तो कोई भी एक उठा के पढ़ लो। उसके आपकी वोकैब, सेंटेंस फॉर्मेशन एंड इवन करंट अफेयर्स तो आपका अपडेट रहेगा ही। तो जल्दी से मैं न्यूज़पेपर कवर कर लेता हूँ, उसके आगे का प्लान करते हैं। न्यूज़पेपर कवर कर चुका हूँ और नेक्स्ट लेसन अभी मेरा इन्वॉल्वमेंट 365। कुछ पोर्शन मैंने इसमें किया है, लेकिन आज मैंने डिसाइड किया है कि मिनिमम दो सेशन तो मैं इसको दूंगा प्रॉपर, और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करूँगा। तो देखते हैं कितना पेज कर पाता हूँ मैं इसका। और मार्केट में आपको हर एक सब्जेक्ट की PT 365 आ गए हैं, तो अगर आपको करना है तो मार्केट से मंगा लो, और अगर नहीं मिल रहा है आपको तो मुझे टेक्स्ट कर दो टेलीग्राम पे या कमेंट कर दो, मैं आपको यहाँ से भेज दूंगा या मैं नंबर दे दूंगा, वहाँ से मंगा लेना। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं PT 365। कभी कभी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन से आ ही जाता है, और कुछ इसमें रिपोर्ट्स होते हैं, या फिर जैसे क्लीन एयर का कुछ कॉलिशन होता है, या फिर इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड, तो वहाँ से कभी कभी UPSC क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर आप कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर करना चाहते हो तो भी, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं करना चाहते हो देन ऑल्सो फाइन। तो मैं फटाफट जितना हो सकता है मैं ट्राई करता हूँ इसको। मैंने एक कुरियर मंगाया था, इसमें एक बुक है मेरा, मैं दिखाऊंगा आप लोग को कौन सा बुक है। तो अभी आया था, तो मैं आया था बाहर लेने के लिए और लेके अभी वापस जा रहा हूँ। बट अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ और चाय वाय पी लेता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद वापस बैठूँगा। तो ब्रेक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ज़्यादा लंबा सेशन रहता है आपका तो आप बीच बीच में ब्रेक रख सकते हो। तो चाय पीते हैं, फिर थोड़ा टाइम बाद वापस लाइब्रेरी चलता हूँ। तो कुछ दिन पहले PW ने विश्वास दिवस सेलिब्रेट किया, और इसके साथ ही इन्होंने बहुत सारे अनाउंसमेंट, मेगा लॉन्च और मेगा ऑफर दिया हमें। सो यू गाइस नो कि UPSC क्रैक करना इज नॉट अ इजी टास्क, इसके लिए आपको चाहिए फोकस, डिटरमिनेशन, डेडिकेशन और गुड स्ट्रेटजी। इन्होंने इन सबको देखते हुए डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च किए, जिसमें है संकल्प इंग्लिश 3.0 फॉर 2024 इन जस्ट 8999, एंड संकल्प हिंदी 3.0 फॉर 2024 इन जस्ट 8999। इसके साथ PW का फाउंडेशन बेस लाइक टाइटन 2.0 फॉर इंग्लिश स्टूडेंट, ऑप्शनल बैच CSET बैच एंड फाउंडेशन, एंड ऑप्शनल बैच का कॉम्बो जैसे संकल्प बैच और टाइटन बैच प्लस ऑप्शनल बैच, एक कॉम्बो आपको मिल रहा है 14,500, और ये वैलिड है सिर्फ 15 मार्च के बाद इसकी प्राइस इंक्रीज कर दी जाएगी। और इन बैचेस के साथ आपको मिलेगा 500 वॉलेट पॉइंट, जिसको आप फर्दर अवेल कर सकते हैं। विश्वास दिवस ऑफर बस पहले 10th मार्च तक था, बट ढेर सारे डिमांड आने के बाद लग सर ने इसकी जो रेंज है, इसकी जो डेडलाइन है, उन्होंने 15 मार्च तक एक्सटेंड करवा दिया है। अभी आपको PW का कोर्स लेना है तो अभी ले लो, अदरवाइज इसकी प्राइस बाद में आपको महंगी पड़ेगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप लिंक पे क्लिक करो, मेरा कूपन कोड यूज करना NEE500, आपको इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। प्रॉपर 45 मिनट का ब्रेक लेने के बाद मैं वापस लाइब्रेरी आ गया हूँ, और इस सेशन में अगेन मैं एनवायरमेंट 365 कर रहा हूँ। दो सेशन मैंने डिसाइड किया था कि मैं करूँगा मैक्सिमम 2.5-3 आवर का, वन सेशन रहेगा, और इसमें अगेन मैं वही
कोशिश कर रहा हूँ कि जितना कंप्लीट कर सकता हूँ कंप्लीट कर लो, और मे बी इसके शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे तो मैं उसको साथ में लिख लूँगा जिससे मुझे लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में आसानी मिले। तो करते हैं फटाफट, फिर आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट सेशन में। सो दिस इज़ द ऑलमोस्ट डन, वॉट एवर जो मैंने डिसाइड किया था उतना मैंने कर लिया है। एंड देख सकते हो कुछ हाईलाइट्स, कुछ टिक, क्योंकि बहुत सारे इसमें डाटा दिया रहता है। तो एक्चुअली जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो आपको वहाँ से पता चलता है कि क्या इसमें पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और ये देख सकते हो कुछ नोट्स भी, ये रिपोर्ट्स का मैंने बना लिया है कि जब भी टाइम मिलेगा तो आप इसको रिविज़न कर लोगे। तो इस हिसाब से मैं इसको लेके चल रहा हूँ कि लास्ट टाइम पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इसमें इतने डाटा है यार, इतने नाम है, लास्ट टाइम पे भूल ही जाएंगे कुछ ना कुछ, तो इसमें अपने माइंड से एक्सेल हो ही जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि कॉन्साइज रखना इसको। तो दो सेशन इसके करने के बाद वापस मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। मैं टेस्ट किसी का टेस्ट का पार्ट नहीं, बट जो रियली में यूपीएससी ने पूछा है पिछले 5, 7 साल, 10 सालों में, वहाँ के मैं क्वेश्चन करूँगा, क्योंकि वहीं से बेसिक आइडिया लगता है आपको कि किस तरह के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं और आपको कैसे अपने टारगेट और कैसे आगे मूव करना है। तो ये बुक अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर आप ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि ये बुक बहुत ही अच्छी है और हर एक सब्जेक्ट का इसमें देखो क्वेश्चन दिया रहता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इसमें मैं इकोलॉजी का ओपन कर लेता हूँ, इन्वायरमेंट का, और क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, देखता हूँ मेरे से कितने क्वेश्चन होते हैं। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन किए हैं मुझे लगता है कि इन्वायरमेंट से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं। और इतने सारे प्रोग्राम चलते हैं, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें बायो से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं लिंक करके, तो हर एक ट्रिकी क्वेश्चन वो डालते हैं। उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें साथ में कवर करके रखने की ज़रूरत है, और ये सब चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलता है कि यार एक साथ कितने सारी चीज़ें, मल्टी चीज़ों को लेके क्वेश्चन बनाते हैं, फ्रेम करते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया करो, दैट इज़ द ओनली वे यू गेट टू नो अबाउट कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। अदरवाइज़ आपको हैबिट में डालना है टेस्ट का, तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से टेस्ट ले लो, टेस्ट सॉल्व करो, वहाँ से आपका नॉलेज इन्हेंस हो जाएगा। बट बेसिक आइडिया आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मिलेगा। तो कोई बुक मार्केट में, बहुत सारी बुक अवेलेबल है, आप वो खरीद सकते हो, अदरवाइज़ ये बुक है, मैं लिंक डाल दूंगा, आप परचेस कर लेना। और जितना हुआ मेरे से मैंने किया अटेम्प्ट, और अभी मुझे आ रही नींद, तो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सी यू।